इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। आज सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है और इस वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी कोरोना महामारी के हालात की समीक्षा करेंगे। ये बैठक तब हो रही है जब कल से देश में 18 साल से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना को लेकर बैठक में कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन संकट, वैक्सीनेशन और जरूरी दवाइयों की सप्लाई पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। कोरोना की सेकेंड वेव शुरू होने के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है। इसके पहले पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होनी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगी। इसके पहले कोरोना विस्फोट पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। कोर्ट ने चार मुद्दों पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कहा था। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, दवाओं की सप्लाई को लेकर, वैक्सीन देने के तरीके को लेकर और लॉकडाउन लगाने के अधिकार पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज वेदांता की याचिका पर भी सुनवाई कर सकता है। वेदांता ने याचिका दायर कर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के स्टारलाइट प्लांट को ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए दोबारा खोलने की अनुमति मांगी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।